दोस्तों, निरंतर 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना, प्रकृति पूजा और जन आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज के दिन छठव्रती नदी, तालाब या पास के किसी सरोवर के जल में खड़े होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और उनकी आराधना पूजा अर्चना करते हैं। इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है तथा सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर उगते हुए, उदय होते हुए सूर्य और उनकी रश्मियों, जिन्हें उषा कहा जाता है, की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और पूजन की सारी सामग्री सूर्य को अर्पित करके जल और दूध का अर्घ अर्पित करते हैं। छठव्रती नदी या तालाब के घाट पर प्रसाद वितरण कर घर आकर कच्चे दूध का शरबत पीकर व्रत का पारण करते हैं, व्रत को पूरा करते हैं। दोस्तों, छठव्रतियों के लिए यह पूजा किसी तपस्या से कम नहीं होती। दोस्तों, सौभाग्य से मैं बचपन से ही छठ पूजा को देखता आ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव का हूँ जहाँ के मैथिल समाज के ब्राह्मण समुदाय के लोगों का संबंध बिहार और मिथिला से और वहाँ की संस्कृति से रहा है और जिनके घरों में दिवाली के दुगने उत्साह से छठ पूजा मनाई जाती है। तरह तरह के पकवान, ठेकुआ, कचवनिया बनाई जाती है। मुझे अच्छे से स्मरण है कि छठ पूजा में मिले प्रसाद को हम हफ्तों तक खाते थे। दोस्तों, छठ पूजा के पहले दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, को छठव्रती अपने समीप के नदी, तालाब या सरोवर में जाकर स्नान करते हैं और वहां से लौटते समय शुद्ध जल भरकर लाते हैं, जिसका उपयोग पूजा में भोजन और प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। पूजा से पहले ही घर, घर के आसपास और पूजा के घाट की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई और स्वच्छता इस व्रत का अनिवार्य भाग है, जिसका अनुमान आप इस बात से सहज ही लगा सकते हैं कि पूजा में उपयोग होने वाली टोकरी, जिसे दौरी या दौरा कहा जाता है, को सर पर रख कर ही पूजा के घाट पर लाया जाता है। कमर पर टिकाकर या मुंह के सामने से लेकर जाना वर्जित है। ये तो हुई स्वच्छता की बात। छठव्रती इस दिन मात्र एक बार ही भोजन करते हैं और भोजन भी अत्यंत सात्विक रहता है। लहसुन प्याज की बनाई रहती है। भोजन में लौकी की सब्जी, मूंग की दाल, चने की दाल और चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जी और कोई भी मसालेदार चीजें वर्जित रहती हैं। भोजन बनाने के लिए कांसे या मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। रसोई तैयार हो जाने पर सर्वप्रथम छठव्रती भोजन करते हैं, उनके परिवार वाले उसके उपरांत ही भोजन करते हैं। व्रत के पहले दिन के इस उपक्रम को नहाय खाय कहा जाता है। दूसरे दिन को खरना या लोहंडा कहा जाता है। तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है और चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का दूसरा दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, जिसे खरना या लोहंडा कहा जाता है, इस दिन छठव्रती पूरे दिन निराजल उपवास रखते हैं, अर्थात अन्न की बात तो रहने दीजिए, पानी तक नहीं पीते। शाम को अरवा चावल और गन्ने के रस या गुड़ की खीर बनाई जाती है। खाना बनाने में चीनी या नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। शाम को यही खीर सूर्य देव को नैवेद्य के रूप में अर्पित करके व्रती स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के समय एकांत और शांति हो, इसलिए घर के सारे सदस्य घर से बाहर चले जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करते समय किसी प्रकार का व्यवधान व्रत के नियमों के विरुद्ध है। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सभी परिजनों, मित्रों और सगे संबंधियों को खीर, घी लगी रोटी इत्यादि का प्रसाद वितरित किया जाता है। दोस्तों, छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्याकालीन अर्घ्य अथवा संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, इस दिन घर के पूरे सदस्य मिलजुल कर पूजा की तैयारियां करते हैं और छठ पूजा के लिए ठेकुआ नाम के प्रसाद को बनाया जाता है, जो चावल और गेहूं के आटे में गन्ने का रस अथवा गुड़ डालकर बनाया जाता है और घी में छानकर तैयार किया जाता है और चावल के लड्डू, जिसे कचवनिया कहा जाता है, बनाया जाता है। पूजा के लिए बनाए गए ये ठेकुआ और लड्डू और 5 अथवा अधिक प्रकार के फल, गन्ना, कच्ची हल्दी, बांस की बनी हुई नई टोकरी और सूपों में रखकर देवकारी, जिसे पूजा घर कहा जाता है, में रख दिया जाता है। शाम को सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले ही घर पर पूजा अर्चना करके ये सारी सामग्री घाट पर लाई जाती है, जिसे घर के पुरुष बड़े श्रद्धा भाव से सर पर रखकर घाट पर लाते हैं।
जिससे कि पूजा सामग्री शुद्ध और पवित्र बनी रहे। छठ घाट की तरफ जाते हुए महिलाएं छठ मैया के गीत गाती रहती हैं। आज के समय में घाटों पर लाउड स्पीकर पर सुरीले गीत बजते रहते हैं। नदी, तालाब या सरोवर के किनारे बनाए गए चबूतरे अथवा अच्छी तरह से साफ सफाई और गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन पर पूजा की सारी सामग्री, दौरा, फल, दीपक, ईख, सूप रखकर तालाब की मिट्टी से बनाए गए चौरे पर नारियल चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व ही छठ व्रती पूजा की सामग्री को, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल पकवान जैसे ठेकुआ और कचवनिया, फूल, मेवे और मिठाइयाँ, नए वस्त्र इत्यादि रहते हैं, को लेकर जलाशय के पानी में खड़े होकर भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इन समस्त पूजन सामग्रियों के अतिरिक्त कार्तिक महीने में खेतों में उपजे हुए विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल, सब्जी, अन्न, गन्ना, कच्ची हल्दी, बड़ा नींबू, नारियल, केले इत्यादि बिना कटे हुए अर्थात सबूत ही अर्पित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने के लिए नए दिए, कपास की बत्ती और घी का प्रयोग किया जाता है। पूजा की इन सामग्रियों को अर्पित करते हुए टोकरे, दौरा या सूप को जलाशय के पानी का स्पर्श कराते हुए सूर्य देव को अर्पित करते हुए जल में 5 परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार संध्या अर्घ्य देकर छठ घाट से लोग घर पर लौटते हैं। लौटते समय छठ मैया की प्रशंसा के लोग गीत गाते चलते हैं। दोस्तों, छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन उदय होते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। छठ व्रती लोग और उनके परिजन और गांव के लोग शाम की ही तरह सुबह भी सूर्य उदय होने से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। छठ मैया के चौरे पर नारियल चढ़ाकर दीप जलाते हैं। उषाकालीन अर्घ्य में संध्या के समय अर्पित किए गए फलों को वैसा का वैसा रखते हुए जो पकवान वगैरह रहते हैं उनकी जगह पर दूसरे पकवान रख दिए जाते हैं। इस समय व्रती पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य की पूजा करते हैं और पूजन सामग्री भगवान सूर्य को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, और सूर्योदय हो जाने पर पूजन सामग्री सूर्य देव को अर्पित करके दूध और जल से अर्घ्य देते हैं। पूजा अर्चना पूर्ण होने पर घाट पर ही प्रसाद बांटा जाता है, जिसमें सूर्य देव को अर्पित किए हुए फल और ठेकुआ कचवनिया रहते हैं। घर आकर छठ व्रती शरबत पीकर प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। व्रती लोग खरना के दिन अर्थात तीसरे दिन से आज अर्थात चौथे दिन लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास करने के पश्चात नमक युक्त भोजन करते हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव की उपासना का यह अनूठा लोक पर्व उत्तर भारत में मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी ही श्रद्धा से धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पर्व या छठ पूजा आदि काल से चली आ रही वैदिक परंपरा में संध्या वंदन और उषा काल में सूर्य के पूजन की आर्य संस्कृति की एक झलक प्रस्तुत करता है। छठ घाट पर सारे लोग अपनी दौरा या टोकरी लिए हुए सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का यह पर्व आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। छठ के घाट पर सारे लोग एक समान दिखाई पड़ते हैं। जन और जगत कल्याण की अभिलाषा करते हुए भगवान अंशुमाली और छठ मैया के चरणों में शतशह नमन। जय छठ मैया। Thank you.